कहता है मैं मनोज, छोड़ दीजिए फेसबुक। हम बता दें 60% से ज्यादा लोग को फेसबुक के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो फेसबुक के माध्यम से सिर्फ जनसंपर्क दिखा रहे हैं, धरातल पर नहीं है। दूसरा चरण प्रारंभ हो गया मैं प्रत्याशियों के लिए, और हम आज बता दें अंजनी देवी हमारे साथ हैं। और आप जब पीछे ये देख रहे हैं, जब गौर से देखिए ये झंडा क्या बता रहा है आपको, समझ में शायद आ गया होगा, समझाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। ये झंडा बता रहा है आपको कि कहना क्या चाह रहे हैं अंजनी देवी। जब से डब्बू खान ने कहा था कि धर्मशीला गुप्ता है, उसके बाद से देखे इस तरह का ये दिखाया जा रहा कि किस तरह डब्बू खान के खिलाफ, यानी कि अगर कहें तो मुकाबला अंजनी देवी के पास आकर सिमटा। हमारे साथ अंजनी देवी हैं। अंजनी जी, क्या लगता है कि किस किस वार्ड में आज आप झंडे? मैं आज 33, 35 और 47 में मैं घूम चुकी हूँ। 43 में मैं घूम चुकी हूँ, और मुझे भरपूर एक एक माताएं बहने से, हमारे गार्जियन से, हमारे भाई बंधु से एक एक वोट की मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रही है। और मुझे बोलती है कि आप निश्चिंत होके घूमिए और सबसे आशीर्वाद आप लीजिए, आपका जीत सुनिश्चित है, आप जय जय आपका रहेगा। बोलने में तो बहुत आप स्मार्ट हो गए हैं, आज से 10 दिन पहले थे बोल रही थी, क्या लगता है कि पूरा एक राजनीतिक गुण आ गया? ऐसा कोई बात नहीं है, 2002 से मैं पार्षद बनी हूँ, 2010 साल में राजनीतिक की हूँ, और मैं बच्चे से, मेरा भी मायके राजनीतिक में पला बड़ा है। और जब मैं ससुराल में आई तो मेरा पति तो खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है जिस हम माहौल में रहेंगे उसका तो प्रभाव तो पड़ेगा ही। 10 साल से 2002 से आज 25 साल होने जा रहा है, जनता की सेवा किए हैं, रात दिन रह के हम भी सेवा किए हैं, ऐसा नहीं कि हम सेवा नहीं किए हैं, पति के कंधे से कंधे मिलाकर हम सेवा किए जनता को, तो आज जनता को चुनने का मौका मिला। जी 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 जी, निश्चित निश्चित वोट समटने लगे। नहीं नहीं, हम बता दें कल बैठक भी है, हम बता दें आपको, जिसमें बैठक में सभी प्रत्याशी अपने अपने अलग अलग वार्ड में केवल जातियों का बैठक कर रहे हैं। क्या ये जाति पूरे दरभंगा के विकास के लिए कार्यक्रम करेंगे? जाति राजनीति होगी तो देखिए मनोज जी, आप पूरे 48 वार्ड में आप भ्रमण कर लीजिएगा कि अंजनी देवी अगर जाति पर वोट मांगता होगा तो आप मुझे फिर नेक्स्ट बोलिएगा। मैं अगर कास्ट से मैं वोट मांगती हूँ, मैं जितने भी हमारे नगर निगम में, हमारे दरभंगा नगर निगम में जितने भी मतदाता है वो अदर कास्ट है, उठ के है, मतलब जात पात से उठ के मुझे वोट मिल रही है। ऐसा नहीं कि मैं जात के, मैं तो जात के पास जाते, अगर हम जैसे 33 वार्ड में आई हूँ, हाँ मेरा जात मिलता है तो 33 वार्ड में आई हूँ, 35 वार्ड में आई हूँ, और मेरा जात कहीं भी मिलता तो वहाँ तो छोड़ कर तो नहीं चले जाएंगे, वहाँ तो इग्नोर नहीं कर देंगे, इसलिए मैं वहाँ से भी आशीर्वाद लेती हूँ, अदर कास्ट से भी लेती हूँ। खासकर अंजलि जी बता दें, और हम बता दें दरभंगा की तमाम जनता जानती है और हमसे कहती भी है कि बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि लहरिया सराय तक सीमित है, बहुत ऐसे हैं दरभंगा तक सीमित है, कई कह रहे कि हम मात्र 5-6 वार्ड में ही काम करके चुनाव जीतेंगे, आपका क्या मिशन है? मुझे तो 48 वार्ड से आशीर्वाद मिल रही है, 43 मतलब जितना वार्ड है, हम तो आपको बोले कि जितना 48 वार्ड से एक एक जनता से मुझे आशीर्वाद मिल रही है, और मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि मैं बहुत ही वोट से, मैं अपार वोट से मैं जीतूंगी। अच्छा जी, अंतिम सवाल, किससे टक्कर है आपको, धर्मशीला गुप्ता से टक्कर है कि डब्बू खान से टक्कर? आप एक ही बात बोल रहे हैं, हम तो आपको बोले कि मेरे सामने में कोई नहीं है, अंजनी हनुमान के सामने में कोई है? कोई नहीं है। तो चलिए हम बता दें, अंजनी देवी देखिए पूरे जोश और उमंग के साथ, हम बार बार कर रहे हैं, इस झंडे को देखिए और अंदाजा लगाइए कि दरभंगा की जनता के क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और ये संदेश उन लोग तक शायद पहुंच गया होगा में, जब इतने बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। हमारे साथ बता दें कि अब अर्जुन सैनी है, और अर्जुन जी लगातार पूरा कैंपेनिंग तो जमा के कर दिए, पूरा केसरिया में बदल दिए आप चुनाव को। देखिए केसरिया झंडा ये नहीं है, झंडा केसरिया है, लेकिन इसमें कंप्लीट छापा बाकी तो केसरिया का बदल है क्या? इसमें दल का तो झंडा नहीं लगा हुआ है, हम केसरिया में पले हैं, केसरिया में चले हैं, केसरिया लेकर नेतृत्व कर रहे हैं, इसीलिए केसरिया आप चुनाव को केसरिया में बदल दिया ना? नहीं, केसरिया हमारा एक धर्म है, धर्म कहता है कि सबों के साथ केसरिया रहता है, दूसरा का तो हरा कहता है, तो आपका ये केसरिया अब अपना अपना लोग देख रहे हैं चुनाव, हरार केसरिया में मुकाबला करवाइएगा, देख रहे हैं चुनाव, कोई व्यक्ति झंडा लेकर नहीं चला है,
जनता से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने समाज के चिंतन से, अपने समाज के सोच से एक हमारे हनुमान जी के झंडा लेकर चले हैं। आगे जो रणनीति तय होगी हमारे जनता तय करेंगे, उस चीज को हम स्वीकार करेंगे। अच्छा एक चीज बता दें आपको कि अब जो राजनीति हो रही है वो दूसरी तरह की अब राजनीति हो रही है, अब भी समझ रहे होंगे आप तो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, लग रहा होगा कि अब जो राजनीति जा रही है वो कहीं ना कहीं जाति को सेंधमारी कर रही है, कहीं ना कहीं धर्म को सेंधमारी कर रही है, कहीं कहीं ये बताना चाह रहा है कि दरभंगा दो फाड़ में हो गया, क्या दो फाड़ के आप समझ? नहीं नहीं नहीं, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से संदेश दिया हूँ कि जाति पाति से ऊपर, धर्म से ऊपर उठकर ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है, न कोई दल का चुनाव है, न कोई पार्टी का चुनाव है, न कोई धर्म का चुनाव है, व्यक्ति विशेष पार्टी धर्म से ऊपर उठकर चुनाव है, इसमें व्यक्ति विशेष को चुना जाएगा। अगर जो पार्टी पर कहता हम चुनाव लड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमने जो झंडा लेकर चला है पूरे संदेश दिया है दरभंगा शहर के लोगों को, इस संदेश के बारे में आप खुद बुझ रहे हैं, समझ रहे हैं। जो आपने संदेश दिया वो तो एक समुदाय के लोगों को एकजुट कर दिया आपके इस संदेश से। हम तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करते रहेंगे, जिस तरह से आशीर्वाद मिला है हमको नहीं लग रहा है कि हमको विजय होने से कोई रोक सकता है, लेकिन जिस प्रकार संदेश दिए हैं उस प्रकार आशीर्वाद भी मुझे मिला है निश्चित तौर पर। हम बता दें अर्जुन सैनी है और साथ में अंजनी देवी है लगातार। अब हमारा दूसरे चरण का ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है और दूसरे चरण के कार्यक्रम को जनता बहुत अधिक अच्छी तरीके से देख रही है, बहुत लोग सिर्फ फेसबुक के माध्यम से संदेश देना चाह रहे हैं। बता दें 70% लोग अभी भी पूरे डिजिटल नेटवर्क से आगे हैं, जो चैनल देखते हैं, जो समझते हैं कि आखिर ये प्रत्याशी कहना क्या चाह रही है, प्रत्याशी का मिशन क्या है, प्रत्याशी का इरादा क्या है, क्या प्रत्याशी कुछ जाति में, कुछ धर्म में या पूरे एक दो वार्ड में सिमट कर रह जाएंगे, क्योंकि पूरे दरभंगा के विकास का सवाल है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे प्रत्याशियों को चुनिए जो एक से लेकर के 48 वार्ड तक एक एक जनता के घर में पहुंचे, समस्या का समाधान करे। 12 बजे रात में उसके लिए थाना से लेकर के प्रखंड से लेकर के नगर निगम तक खड़ा रहे, क्योंकि आपके आने वाले 5 साल में जो बच्चे हैं वो आपसे ही पूछेंगे आपने किसे वोट दिया, किस आधार पर वोट दिया, क्या लेकर वोट दिया, क्योंकि अब जवाब आपको देना है और मीडिया वाले आपसे सवाल जरूर पूछेंगे 20 तारीख के बाद हर वार्ड में जब हम पहुंचेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए यूट्यूब पर भी, GTPL और सिटी केबल पर मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।